हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। कराची की सियासत में आज बहुत बड़ा भौंचाल आया है क्योंकि मुस्तफा कमाल ने इंतहाई संगीन और इंतहाई शदीद इल्जामात लगाए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मुल्क की सियासत में मुलव्वस है। मुस्तफा कमाल साहब ने आज कराची की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त भौंचाल पैदा कर दिया जब उन्होंने इंतहाई संगीन और गीन और शदीद इल्जामात आयद किए। फारूक सत्तार साहब के जवाब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जामात आयद करते हुए मुस्तफा कमाल साहब का कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट के एमा पर ही और एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ही उन्होंने फारूक सत्तार साहब से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात की रिक्वेस्ट पीएसपी ने नहीं बल्कि फारूक सत्तार साहब ने की थी। वो इत्तेहाद करना चाह रहे थे पीएसपी के साथ और इसके लिए पिछले 8 महीने के साथ प्लानिंग हो रही थी, मुलाकातें हो रही थी, गुफ्तगुशनीद चल रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्तफा कमाल साहब ने एक और शदीद इल्जाम भी आयद किया कि उस वक्त के डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर ने 22 अगस्त 2016 के बाद मुतकौमी मूवमेंट पाकिस्तान तश्कील दी थी। यह कहकर मुस्तफा कमाल साहब ने एक बहुत बड़ा भौंचाल पैदा कर दिया है। क्या कह रहा था उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिएगा। हाँ, हमें एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाकर फारूक सत्तार से मिलवाया है। खाना क्या करना है, सुबह नाश्ता क्या करना है, शाम में सोने से पहले क्या करना है, आप एस्टेब्लिशमेंट से सारा कुछ ये करवा रहे हो हमारे ऊपर। एमकेएम पाकिस्तान तो बनी जनरल बिलाल अकबर साहब के कमरे में, उस वक्त के डीजी रेंजर्स। मेरे पास ख्वाजा एजाज साहब का हैंड रिटन मेरे पास पर्चा है जो ये तय हुआ, हैंड रिटन उनके हाथों का लिखा हुआ। दर्जनों मीटिंगें की हैं और जो मीटिंग में बात होती, मैंने आपको पहले बता दी बात, ये आखिरी वाली मीटिंग में आमिर खान साहब नहीं थे, वो मुल्क से बाहर थे तो वो नहीं थे, फैसल सरदारी साहब थे, ख्वाजा एजाज साहब थे और फोन पे इनकी सारी, आमिर खान साहब ऑनलाइन थे इनके साथ, वसीम अख्तर ऑनलाइन थे, कवर नवेद को हैदराबाद से बुलाया उन्होंने, ये सब तो थे मशवरे में। मुस्तफा कमाल साहब ने तो ये बातें आज की थी एस्टैब्लिशमेंट के मुलव्वस होने के, एस्टैब्लिशमेंट के पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होने के हवाले से, लेकिन दो रोज पहले फारूक सत्तार साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी ऐसी ही बात की थी और कहा था कि कराची की सियासत में अब इंजीनियर्ड सियासत नहीं चलेगी। आपको वो बात अच्छी तरह से याद होगी। बहरहाल मुस्तफा कमाल साहब के आज के इन संगीन और इंतहाई शदीद इल्जामात के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से दोबारा एक छोटी सी मीडिया टॉक की गई जिसमें फैसल सब्जवारी साहब ने कहा कि मुस्तफा कमाल साहब ने आज जो गैर जिम्मेदाराना बातें की हैं तो उन्होंने एक और मौका जाया कर दिया है इत्तेहाद करने का, और लेकिन इत्तेहाद की पेशकश एमक्यूएम की तरफ से अभी भी बरकरार है। क्या कहा था फैसल सब्जवारी साहब ने, सुनिएगा जरा। पीएसपी के साथ आगे चलकर किसी सियासी इत्तेहाद की शुरुआत करने के लिए एमकेएम पाकिस्तान ने कदम उठाया जिसे बदकिस्मती के साथ अपनी गैर जिम्मेदाराना गैर सियासी गुफ्तगू करके पीएसपी के सरबराह ने बहुत कीमती मौका, हम समझते हैं कि जाया, जो कुछ हुआ उसके बावजूद हम आज भी शहरी सिंध की तरक्की के लिए, सूबा सिंध में बेहतर तर्ज हुकुमरानी के लिए सबके साथ हाथ मिलाने पर तैयार हैं और इस इत्तेहाद की पेशकश पर कायम। कहते हैं ना कि गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल
फारूक सत्तार को साहिब कह के मुखातिब कर रहे थे और फिर फारूक सत्तार साहब ने उन्हें टोका था कि साहिब नहीं भाई कहिए, लेकिन आज मुस्तफा कमाल साहब खुद से फैसल सब्जवारी साहब को भाई कह रहे थे और फैसल सब्जवारी साहब उसके बाद मुस्तफा कमाल को साहिब कह के पुकार रहे थे। बहरहाल कुछ अहम और बड़े संगीन सवालात उठते हैं जो आज की कराची की सियासत में हलचल है। सबसे पहले ये कि क्या एस्टैब्लिशमेंट वाकई कराची की सियासत के पीछे है और इस तरह से कराची के सियासी अमल में मुदाखलत करती है? क्या फौज का रद्देअमल आएगा, क्योंकि उस वक्त के सर्विंग डीजी रेंजर सेन मेजर जनरल बिलाल अकबर साहब पर इल्जाम लगाया है। ये कोई छोटा इल्जाम नहीं है। क्या फौज की तरफ से कोई रद्द अमल आएगा, क्या आईएसपीआर की तरफ से इन मामलात पे कोई रद्द अमल आएगा? फिलहाल तो आईएसपीआर खामोश है, फौज इन मामलात पर खामोश है। दूसरा ये कि वो एक शेर है गालिब की जबा में कि कितने शीरें हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजाना हुआ। तो जितनी गालियां मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम को दे रहे हैं, एमक्यूएम फिर उनसे इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। इन सारे मामलों पे बात करेंगे। आज मेरे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा भी मौजूद होंगे, पाक सरजमीन पार्टी के भी मौजूद होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मेरे साथ हैं। रजा हारून साहब पाक सरजमीन पार्टी से, कामरान टेसौरी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और फैसल वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन पर इल्जाम है कि उनके घर में ये मुबैना मुलाकात हुई थी। फैसल वाडा साहब अस्सलाम वालेकुम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके घर पर मुलाकात हुई थी ये फारूक सत्तार साहब की, मुस्तफा कमाल साहब की और एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा कोई मौजूद था वहां पर? जी फैसल वाडा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि आपके घर पर मुलाकात हुई थी, सेफ हाउस डीएचए का आपका घर था जहां फारूक सत्तार साहब मुस्तफा कमाल साहब की मुलाकात हुई, और कोई एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा वहां मौजूद था? मेरे घर पर बिल्कुल नहीं हुई है जी, और देखिए सब स्पेकुलेटिव और सोर्सेस के तहत है। किसी कॉन्क्रीट आदमी जो दोनों पार्टीज में फारूक सत्तार साहब या मुस्तफा कमाल साहब ये बात करें तो मैं रिस्पॉन्ड करने पे बिल्कुल मेरा राइट बनता है, लेकिन सोर्सेस के ऊपर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। कल मुझे आप कहते हैं सोर्सेज ने कहा मैं नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर कोई चीफ मिनिस्टर बन रहा हूँ या मैं कोई चीफ मिनिस्टर के लिए साजिश कर रहा हूँ, तो सी तो सोर्सेज है, सोर्सेज कैन से एनीथिंग व्हाट दे वांट। ओके, तो आप डिनाई कर रहे हैं आपके घर पर बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई? देखिए जी, न्यूज ही सोर्सेज से रिलेटेड है तो मैं सोर्स पे तो गरीदा साहब आप जैसे एंकर के आगे मैं सोर्सेज के ऊपर क्या जवाब दूंगा? देखिए सोर्सेज कैन से एनीथिंग अबाउट एनीवन। ओके, कोई इस सारे प्रोसेस पे जो पिछले 6-8 महीनों से चल रहा था कोई आपका किरदार था, किसी ने आपसे कोई रابطہ किया? देखिए जी, देखिए ये तो दो पॉलिटिकल पार्टी ए एंड बी ग्रुप के अंदर है, ये पीएसपी के अंदर है और एमकेएम के अंदर है, और मेरा सवाल बजाय स्पेकुलेटिव न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो खत दिखाया है या जो नुकात दिखाए हैं मुस्तफा कमाल साहब ने, का जिक्र फारूक सत्तार साहब ने भी किया, उसमें कौन सी ऐसी डेलिबरेट चीज है जिससे किसी भी इंसान को पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम होगी? नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए ये बात तो मैं रिकॉर्ड का हिस्सा 680 दफा बना चुका हूं कि 22 अगस्त की तकरीर के दौरान जब अल्ताफ हुसैन साहब चीख चीख के बकरे की तरह बोल रहे थे तो सारे जो आज एमके पाकिस्तान के लीडरान है वो गला हिला हिला कर उसको इंडोर्स कर रहे थे और कह रहे थे बिल्कुल भाई जाती हो गई और बिल्कुल हम पाकिस्तान को नहीं मानते, तो वो फरिश्ते पहले कैसे बन गए, पहला सवाल। नंबर दूसरा सवाल ये कि 22 अक्टूबर की रात को ठाकुर जो रेंजर्स की ऑर्गेनाइजेशन से आया और लेके गया और लेने के बाद उस टाइम पे वो मुजरिम या मुलजिम की हैसियत से गए थे फॉर एज फैसिलिटेटर्स ऑफ दैट हेटेड स्पीच। उसके बाद मैं तो 680 दफा बोल चुका हूं कि ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, इसमें जब चाहे स्टिकर लगा दे, लंदन का, साउथ अफ्रीका का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। ये तो आपके वाडा साहब दोनों सवाल वैलिड हैं, एक पीएसपी से वैलिड है कि वो इल्जाम लगाते थे एमक्यूएम पे, अभी भी आज भी मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि अल्ताफ हुसैन की जमात है, गद्दारों की जमात है। रजा हारून साहब आपके पास एक बार खरीदा साहब मुझे कंप्लीट करना है फिर आप रजा साहब को दे दीजिएगा या जिसको भी देना है आपने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि कल जब ये फारूक सत्तार साहब ने जो अल्ताफ हुसैन की रीबर्थ की है उसको नाराज होके गए वापस आ गए, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने आते साथ खून रेजी का नारा लगाया सूबे का, उसके बाद उन्होंने तोड़े ताले कब्रिस्तान के जिधर इनकाउंटर होके खुद मारे हुए लोग शहीद है बेचारे मासूम, उसके बाद आप लोगों के माइक्स उठा के सड़क पे फेंके, ये सब चीजें किस अल्ताफ हुसैन और किस एमकेएम की साहब है? पूरा प्रोग्राम है आपके पास, पूरे प्रोग्राम में जो आपने बोलना होगा जो सवाल करने होंगे रजा हारून साहब आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन कामरान टेसौरी साहब हमारे साथ हैं जी फोन लाइन पे। कामरान टेसौरी साहब जी मैं हूं लाइन पे आपके। ठीक है टेसौरी साहब, मुस्तफा कमाल साहब ने पहला इल्जाम जो लगाया है पीएसपी ने वो ये कि आप लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की कि पीएसपी से इत्तेहाद करना चाहते हैं,
किससे रिक्वेस्ट की आपने एस्टैब्लिशमेंट में और क्यों की, क्या जरूरत पड़ गई थी आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरीदा देखें, मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से एस्टैब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करने की जरूरत हो या की गई हो, तो मैं ये समझता हूँ फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज को ना तो आपस में मिलना चाहिए और ना ही सियासत करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो आवामी पार्टियां होती हैं, जो गली और बाजारों में आवाम की खिदमत करने के लिए, उनके साथ मुझे मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दें कि आप लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की थी। एस्टैब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की थी, सुन लीजिए ना। मैं ये समझता हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान, जिसे मुत्तहिदा पाकिस्तान को ना तो इस किस्म की कोई जरूरत है और ना इंशाल्लाह आगे होगी। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट का नाम बार बार इस्तेमाल किया जाता है, मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट का जो इदारा होता है ब्रीफिंग देने के लिए या उनसे किसी और मामलात पे बात करने के लिए तो जरूरी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट की हर बात मानी जाए और एस्टैब्लिशमेंट जो कहे। सर मुझे सिर्फ मेरे सवाल का सीधा सा जवाब दे दें कि क्या आप लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की थी? ना हमने कभी रिक्वेस्ट की है और ना इंशाल्लाह हम कभी रिक्वेस्ट करेंगे। और एस्टैब्लिशमेंट का कौन सा नुमाइंदा इस मुलाकात में शामिल था? देखिए, कम अज कम उस मुलाकात में मैं अल्लाह का शुक्र है कि शामिल नहीं था, लेकिन पहले मुलाकातों में आप शामिल रहते थे। जी मैं आपको बात पूरी बता रहा हूँ। फारूक सत्तार भाई ने एक तकिया राज में एक बात रखी है और अगर कभी जरूरत पड़ी तो वो जरूर इस बात को अफशा करेंगे कि कौन 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 उस मुलाकात में था और उसका क्या किरदार था, वो भी इंशाल्लाह वक्त जरूरत पर अगर कभी आप बताएं ना। तिवारी साहब आप बताएं कि कौन कौन था, आप बताएं तिवारी साहब कौन कौन था उस मुलाकात में, कौन कौन था जब और क्या क्या मकासद ने मेरे लीडर ने जब ये बात कह दी कि जब जरूरत पड़ी तो मैं ये बात जरूर बताऊंगा, तो मैं शायद इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं बता सकूं। नहीं तो अभी मजबूरियां क्या है, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुस्तफा कमाल साहब ने, कराची की सियासत को, मुल्क की सियासत को हिला के रख दिया है। मतलब हसास इदारों पर, फौज पर डायरेक्ट इल्जाम है, कोई छोटी बातें नहीं है। और फौज से आप भी मोहब्बत करते हैं तो आप क्लैरिफिकेशन दें कि ऐसा नहीं था। मुस्तफा कमाल भाई ने जो बात की, सबका डीजी रेंजर्स था जी, उस पर मैं जरूर कॉमेंट करूंगा कि देखें जिस दिन हम प्रेस क्लब में बैठे थे तो मुस्तफा कमाल भाई ने ये कहा कि ये एमकेएम पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन की थी और आज तक ये अल्ताफ हुसैन की है, इसमें रॉ के एजेंट्स हैं, ये सारे लोग हैं। तो मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा मुस्तफा कमाल भाई से कि जब अगर ये जनरल बिलाल ने बनाई थी तो इसमें लंदन और रॉ कहां से आ गई फिर? या तो एक तरफ हो जाए बात कि ये रॉ ने बनाई है, अल्ताफ हुसैन की है या जनरल बिलाल। सॉरी साहब, आपके पास मैं वापस भी आऊंगी। रजा हारून साहब काफी देर से खामोश है। अस्सलाम वालेकुम रजा हारून साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वालेकुम अस्सलाम करीदा, थैंक यू। कराची की सियासत में बहुत बड़ा भोंचाल लेकर आ गए हैं आप लोग, बहुत बड़े, बहुत संगीन, बहुत शदीद किस्म के इल्जामात हैं ये। एस्टैब्लिशमेंट पे बराह रास्त इल्जाम है, फौज पर बराह रास्त इल्जाम है, हसास इदारों पर बराह रास्त इल्जाम है, तो आप लोग बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट का कौन सा नुमाइंदा था उस मुलाकात में? अच्छा करीदा, एक तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सवाल पे ही इतराज है मुझे कि इल्जाम लगाया, कोई इल्जाम नहीं लगाया। नंबर वन, क्लैरिफाई करूंगा अपनी बात को, और नंबर टू, ना हसास इदारों का जिक्र हुआ, ना फौज का जिक्र हुआ, एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई। ये आप उससे जो कुछ इंटरप्रेट कर रही हैं, काइंडली उसको हमारे अल्फाज ना कहें, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, नंबर वन बात ये। तो यहाँ से बात शुरू करते हैं कि बिल्कुल जो बात मुस्तफा कमाल साहब ने की वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखे, और ये कोई एक दफ़ा की मुलाकात तो नहीं है। ये भी उन्होंने बताया कि जहाँ मुलाकात हुई थी वहाँ फारूक सत्तार साहब पहले से मौजूद थे, हम वहाँ गए, और ये फैसिलिटेशन होती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप समझें या जो परसेप्शन आपके दर क्रिएट हो वो दुरुस्त भी हो। ये किसी सेफ जगह का मतलब ये नहीं होता, जैसे डॉन में खबर आ गई सेफ हाउस, तो हमने छापी थी उसको, तो आपने डॉन के लीडर को तो बुला के पूछा नहीं कि भाई तूने कैसे बदनाम कर दिया, तूने कैसे स्टोरी छाप दी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन, उससे तो आप ये सारे सवाल करने नहीं। गरीदा, मैं तो इस बात को ओन कर रहा हूं, और ये कामरान टेसूरी साहब भी यही कह रहे हैं कि मुलाकात हुई थी, ये वहां मौजूद नहीं थे, ये तो उन्होंने माना ना भी आपके सामने। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट इल्जाम नहीं होता, वो फैक्चुअल पोजिशन होती है। और फैसिलिटेशन तो एनआरओ में, मुझे ये बताएं गरीदा, आप तो बहुत ही सीनियर एंकर हैं, ये जो एनआरओ हुआ था मुशर्रफ साहब के दरमियान जब उन्होंने करवाया था, तो ये बेनीवी साहब से कौन मिलने गया था एनआरओ साइन करवाने के लिए?
तो फैसिलिटेशन तो होती है, फैसिलिटेशन तो की जाती है, लेकिन अगर वो मुल्क की बेहतरी के लिए है और फैसला बहरहाल उन दो कुव्वतों को, उन दो फरीकों को बैठकर पॉलिसी पे भी करना होता है और नहीं तो वो तो कोई तय करना होता है कि आए हमने करना भी है कि नहीं करना। फैसला हमारा था, फैसला फारूक सत्तार का था, फैसला किसी और का नहीं था, ये बिल्कुल वॉलंटरी फैसला था, वॉलंटरी फैसला था और ये बेहतरी के लिए था, इसीलिए तो हमने उसको माना। अब आ जाते हैं कि हुआ भी काफी प्रॉब्लम आ रही है और मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हारून साहब से मजीद सवाल भी करेंगे मुस्तफा कमाल साहब के इल्जाम के मुतालिक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रजा हारून साहब से, फैसल वाडा साहब से और कामरान टेसौरी साहब से। रजा हारून साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरा सवाल आपसे सिंपल था। आपने कहा कि जी हमने इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का जब आपने नाम लिया मुस्तफा कमाल साहब ने, तो एस्टैब्लिशमेंट से मुराद है, सबको पता है कि कौन मुराद है। फिर जब आप मेरे चैनल बिलाल अकबर साहब का नाम लेते हैं तो वो उस वक्त सर्विंग डीजी रेंजर सिंध थे, तो ये इल्जाम। मुझे ये बताएं कि हकायक बयान करने में क्या प्रॉब्लम है। 22 अगस्त को जब ये नारा लगा अल्ताफ हुसैन साहब का, उसके बाद उसकी शाम को जब फारूक सत्तार साहब को और ख्वाजा साहब को रेंजर्स के सिपाही वहां से ले गए थे, उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे बरामद हुए तो उस वक्त वो पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान के सरबरा बनकर बरामद हुए ना, यही तो बताया, इल्जाम कौन सा लगाया मुझे ये समझाए ना आप लोग का। मुझे एक तो ये देखे ना, आपके नैरेटिव से अग्री तो नहीं करूंगा ना, मैं तो ये बता रहा हूँ कि मुस्तफा कमाल साहब ने गरीदा आज एक फैक्ट बताया कि 22 तारीख को रेंजर्स के सिपाही सबके आंखों के सामने लाइव कैमरास के सामने फारूक सत्तार साहब, ख्वाजा इजहार साहब को कराची प्रेस क्लब से ले गए। उसके बाद 23 अगस्त को जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमकेएम पाकिस्तान के सरबरा बन गए। तो रेंजर्स के हेड ऑफिस जब उस वक्त डीजी मेजर जनरल बिलाल अकबर साहब ही थे ना, तो इसमें इल्जाम कहां है, तो फैक्ट आपको बताया, आपको नहीं मालूम थी ये बात, ये मैंने आपको कोई नई बात बता रहा हूँ। उसकी इंटरप्रिटेशन आपकी अपनी मुख्तलिफ हो सकती है ना। मेरे लीडर ने, चेयरमैन ने यह बताया कि ये वाकया हुआ था, उस वाकये के बाद उससे पहले फारूक सत्तार साहब जो है सरबरा नहीं थे, वहां से वापस आए तो वो सरबरा बन गए, तो जाहिर है कि वहां रेंजर्स के हेड ऑफिस में कोई ना कोई बात हुई होगी ना, सत्तारीदी साहब के पास तो गए नहीं थे, तो ये तो एक वाकया, ये तो किसको नहीं मालूम है, आप तो मुझसे ऐसे ये तो बिल्कुल, ये तो सबके नॉलेज में, कैमरे के सामने हुआ है, तो इसको इल्जाम कैसे कह दिया आपने? सत्तार साहब बहरहाल इन बातों को डिनाई नहीं, मेरा आपसे क्वेरी ये है विद ड्यू रिस्पेक्ट ये इल्जाम कैसे हो गया। रजा हारून साहब, बहुत माजरत के साथ मुझे यहाँ आपको खुदा हाफिज कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन पा रही और मुझे अपनी ही आवाज़ कान में आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, और आपको चूंकि जाना भी है किसी दूसरे प्रोग्राम के हवाले से, मसरूफियत के हवाले से, मैं बहुत शुक्रिया करूंगी, लेकिन आपको अगले प्रोग्राम में जरूर जहमत दूंगी इंशाल्लाह। कामरान टेसौरी साहब और फैसल वाडा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी फैसल वाडा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है फैसल वाडा साहब, अब आप ये बताएं कि आपको इस कराची की सियासत का मुस्तकबिल क्या लग रहा है? देखिए जी, कराची की जो मुस्तकबिल है और जो सियासत है वो एक बड़ी नाजुक बोर्ड पे जाके खड़ी हुई है, और इसका असर जो है वो पूरे पाकिस्तान की सियासत पे पड़ेगा। और देखिए जी, अभी बहुत सारी चीजें, आप ये नया दौर उठा है एस्टैब्लिशमेंट को, जुडिशरी को बदनाम करने का, पहले नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, अब ये दोनों पार्टी की तरफ से आ रहा है, तो ये बड़ा एक तो जुल्म की बात है, और ये इसमें बहुत सारी चीजें सोचने की बात है कि देखिए जी, एमके पाकिस्तान के भी केसेस एफआईए में है, जो लोग सुकून से सबको बेवकूफ बना के तकिए में सर रख के सो रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको तकिए से सर उठा के लाइट खोल के सोने की जरूरत होगी और आगे आएगी पेश। और तब तीसरी चीज ये कि देखिए जी, टारगेट किलिंग, भत्ता फोरी, बोरीबंद राशे, ये एमके अल्ताफ का तर्ज सियासत था, और वो तर्ज सियासत इस पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पार्टी के ना झंडे से किसी को, ना कोई इसकी पार्टी के कोई निशान से किसी को प्रॉब्लम है इसकी सियासत से। और वो सियासत का रिफ्लेक्शन क्या, एक और रीबर्थ, आप अल्ताफ हुसैन को नए नाम से अगर बुलाएंगे, क्योंकि उसका बैन लगा हुआ है, और उस बैन के अंदर जद्दोजहद भी कराची में हमने की है, स्पेशली मैंने की है, तो मैं तो PhD इस प्रोजेक्ट के अंदर, और मैं इनकी नस नस को जानता हूं, और ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारी चीजें आनी है, हम लेके आएंगे, बहुत सारे अरबों रुपए का हेर फेल है,
टारगेट किलर है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इतनी आसानी से चीजें छूटेंगी नहीं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दफा किसी फैसिलिटेटर के तौर पर बंद हो जाए और अगले दिन आप बाहर निकले तो किसी मैं पीटीआई का लीडर बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। और लीडर की क्वालिटीज और क्रेडेंशियल्स बड़े माने जाते हैं। अभी इनकी पार्टी के अंदर एमकेएम पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रोले पड़े हुए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बगैर किसी को बताए फारूक सत्तार साहब ने जमा करा दिए, जिसकी वीटो पावर ना भुट्टो साहब को थी, ना जियाउल हक को थी, ना नवाज शरीफ साहब को है, ना इमरान खान साहब को है। और बहुत सारे पैसों की हेर फेर है जो आज गली गली फोन फोन चुपके चुपके कहानियां करें, जो जराये से चीजें चला रहे। हम कराची में रहते बेवकूफ लोग थोड़ी है, हमें तो ये भी पता है कि किसके घर के अंदर कौन सा कबूतर किस रंग का बैठा है और किस एंगल में बैठा है। तो कराची में तो एक दूसरे को 400-500 लोगों की फैमिली है जो बड़ी एक्टिव होती है, सबको एक दूसरे का पता होता है। तो हम बेवकूफ थोड़ी है, जराये क्या चला रहे हैं, डॉन में क्या लग रहा है, फलानी जगह क्या लग रहा है, हमें सब कुछ पता है। और हम भी वक्त आने से पहले हम तो जवाब देते रहेंगे। जो लोग वक्त का इंतजार करते हैं और छुपाते हैं और बताने से काफिर रहते हैं, ये सवाल तो सारे आपके उनके ऊपर है। कामरान टिसौरी साहब ने भी ठीक है, वाडा साहब आपके पास दोबारा भी आऊंगी, कामरान टिसौरी साहब ने ज्वाइन कर लिया। टिसौरी साहब अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच सर पेशेंस के लिए। जी आप कहें फिर मैं अपना सवाल करती हूँ। जी मैं पहले तो रजा हारून भाई जो बात कह रहे थे कि वो डीजी रेंजर्स के ऑफिस में गए और दूसरे दिन सरबराह बन गए, तो देखिए ये एक अजीब सी बात है, क्योंकि ये तो फिर इल्जाम अगर हम लगाने पर आएंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि मुस्तफा कमाल साहब तो दुबई से आए और आते ही सरबराह बन गए, 3 साल वो गायब थे। तो ये तो इल्जाम की सियासत अगर हम करेंगे तो फिर हम कराची के अंदर लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि ये हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं होते तो रजा हारून साहब हमारे साथ होते और आपके इन इल्जामात का जवाब भी देते। लेकिन उन्होंने ये बात की थी ना, देखिए वो चले गए ये कह के कि जी वो डीजी रेंजर्स के पास गए और सुबह आके वो सरबराह बन गए, तो मुझे ये जवाब देना जरूरी था। दूसरा देखें बात ये है कि ये बात सही है कि वाकई हम इतने होशियार और समझदार नहीं है, हम एक जिसे कहते हैं ना मिडिल क्लास सोच के लोग हैं और हम समझते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही सोचना चाहिए कि आज एक आम आदमी को किस चीज की जरूरत है, वो कपड़ा रोटी मकान बिजली पानी कचरे की ही सोच रखनी चाहिए। मुझे तो वाकई नहीं पता कि किसके घर में किस रंग का कबूतर है और किसकी चिड़िया कहाँ बैठती है। हम तो समझते हैं कि सीधा सीधा सियासत में ये होना चाहिए कि एक पाकिस्तान की वो पार्टी जिसने 23 अगस्त के बाद अपने ही सरबराह को कौमी असेंबली से और सूबाई असेंबलियों से कानून पास करा के आईन से निकाल दिया, और फारूक सत्तार साहब ने जब अपने आप को जिंदाबाद पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया, तो मैं समझता हूं कि ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि जब वो जमात कराची का मैंडेट रखती है, कराची के लोकल गवर्नमेंट का मैंडेट लंबी बात में जा रहे हैं, टिसौरी साहब आप बहुत लंबी बात में जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल शॉर्ट था कि आप मुलाकातों में शामिल रहे हैं, जैसा कि मुस्तफा कमाल साहब ने आज इल्जाम लगाया है कि पहले मुलाकातें 6-8 महीने से चल रही थी, उनमें कामरान टिसौरी भी होते थे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो वो बातें कर रहे हैं ये वो बातें हैं जो मैं नहीं समझता कि किसी भी पार्टी के हेड को ऑन एयर करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ ऑन एयर नहीं करनी चाहिए या मुलाकातें नहीं हुई आप नहीं, मुलाकातें भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुलाकातें नहीं हुई। मेरी बात सुन ले, मैं कह रहा हूँ ना साहब आपसे कि जो मुलाकात हुई जिसकी जिक्र किया जा रहा है, एक तो उसमें मैं था नहीं, दूसरी अगर कहीं मुलाकातें हुई भी हैं, मैं इस बात को इस तरह से लेता हूं कि अगर हुई भी है और कहीं आदमी बैठकर किसी चीज के ऊपर बात करता है तो उसको इस तरह ऑन एयर बात करके एक तास्तुर देना, यानी कि आप डिनाई नहीं कर रहे कि मुलाकातें नहीं हुई और आप शामिल नहीं थे। मैं डिनाई क्यों करूंगा, देखिए मैंने पहले भी कहा कि हम इस मुल्क आप डिनाई नहीं कर रहे तो आपका फिर जो है ये इकरार समझा जाएगा कि मुलाकातें हुई हैं और आप शामिल रहे हैं। देखिए मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, आप बात की जो मुझसे कहलवाना चाहती हैं वो मैं कहने को तो 2 अल्फाज में कह दूंगा तो इस मुल्क में बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगी। देखिए ये भी हमारा जर्फ है कि हम बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर भी इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की मईशत और इस शहर की अच्छाई के लिए हमने बहुत सारी बातों पे पर्दा रखा है, बहुत सारी बातों पे खामोशी इख्तियार की है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास जबान नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बात करना नहीं जानते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ बता नहीं सकते, बहुत कुछ बताने के लिए है। सिर्फ इस मुल्क की ब्रेकिंग नहीं बनेगी, इंटरनेशनल ब्रेकिंग भी बन सकती है, लेकिन हम इस मुल्क के साथ चलना चाहते हैं, इस मुल्क की सलामती और उन इदारों को
जो आज बदनाम किया जा रहा है हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम समझते हैं कि इस मुल्क के सलामती के इदारे हैं, उनकी इज्जत अपनी जगह पर है, लेकिन सियासत के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना ये पॉलिटिकल जमातों का राइट है और हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, ना पहले लिया है ना आइंदा लेंगे। डिक्टेशन नहीं लेंगे तो मुझे फिर एक सवाल का जवाब देते हैं कि फिर क्यों वो जो एक शेर है आपने भी सुना होगा मिर्जा गालिब साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि कितने शीरी हैं तेरे लब के ए रकीब गालियां खा के बेमजा ना हुआ। अगर डिक्टेशन नहीं ले रहे तो फिर एमक्यूएम डेस्परेट क्यों लग रही है, क्यों नजर आ रही है? आज फिर मुस्तफा कमाल साहब इतना सख्त बोले हैं, आज फिर आपने उनको इत्तेहाद की दावत दे दी। अगर कहीं से डिक्टेशन नहीं है इसी को कहते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की पैसाला सियासत और इसी को कहते हैं उनका एक बुर्दबाराना मिजाज क्योंकि वो पाकिस्तान में रहकर सियासत कर रहे हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम उस तरह की सियासत करें जिससे इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क से बाहर पाकिस्तान का मजाक बने और मजाक उड़े। फारूक सत्तार साहब की समझदारी और उन्होंने जिस तरीके से ठीक है तिसारी साहब आपने फरमाया कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते लेकिन मैं उनपे आपके साथ एक खास प्रोग्राम रखूंगी। मैं आपसे वो बातें जानना चाहती हूँ। इस वक्त के लिए शुक्रिया क्योंकि आपकी कमिटमेंट हमारे साथ इसी प्रोग्राम के लिए थी। फैसल वाडा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक इन। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चूंकि मामला बहुत बड़ा है इस हवाले से एक बहुत अहम शख्स से हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं सरफराज मर्चेंट साहब जिन्होंने आज ट्वीट भी की है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम उनकी एफआईआर के मुताबिक सिर्फ एमक्यूएम पर भी नहीं है बल्कि पीएसपी पर भी है क्योंकि वो भी अल्ताफ हुसैन के कर्ता धरता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज मर्चेंट साहब। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप इस मामले पे, मनी लॉन्ड्रिंग, पीएसपी का भी आपने जिक्र छेड़ दिया है, बयान दिया है अपना, और जो आज मुस्तफा कमाल साहब ने जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाया है, साबिक डीजी रेंजर सिंध पे इल्जाम लगाया है एमक्यूएम को परवरदा करने का, क्या कहेंगे आप इस पे? देखें जी ये तो चूंकि आज ये पीएसपी की शक्ल में आपके सामने बैठे हैं बेसिकली तो इनका माइंड सेट और इनकी हर चीज वही अल्ताफ हुसैन और उनके लोगों के साथ ही मिलती है तो अल्ताफ हुसैन भी इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट पे और दीगर सीनियर लोगों पर इल्जाम लगाते रहते थे जो आज मुस्तफा कमाल ने भी किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नंबर टू जहां तक एफआईआर की बात है और इस इन्वेस्टिगेशन की मनी लॉन्ड्रिंग की बात है तो बिल्कुल ये लोग सारे इसके पार्ट एंड पार्सल हैं। इनके दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग बैठे मुस्तफा कमाल साहब को खुलकर अगर वो सच बोलना चाहते तो वो पूरा सच बोले। उन्होंने पूरा सच आज भी नहीं कहा। उनको पता है कि उसमें कौन मुलविस है और ये सारे खुद लोग उस वक्त ये एफआईआर आज दर्ज हुई अक्टूबर में जी। लेकिन इस एफआईआर के कंटेंट्स वही हैं जो इनके जमाने में सारे काम हुए हैं और ये उनके प्रिवी हैं, इनको सब पता है। और अगर ये कौमी सियासत या नई आप कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल साहब खुद भी बराह रास्त मुलविस हैं मनी लॉन्ड्रिंग में या उसको फैसिलिटेट करते रहे हैं? जी बिल्कुल फैसिलिटेट कैसे नहीं करते रहे, बात यह है कि वो खुद वन ऑफ द ट्रस्टीज थे केकेएफ के जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है और जो उनके साथ और भी लोग हैं वो सब जानते हैं 2008 से लेके 2013 तक जब ये चीजें हुई थी और यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो मेरे ख्याल में सबको पता है और आपको भी पता होगा कि कराची को हैंडल कौन करता था, कराची के मामला कौन चलाता था और कौन लोग थे। ये सारी कहानी जो वो बता रहे ये सब 2013 के बाद की है, उस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन बाद में शुरू हुई है। लेकिन सरफराज साहब चूंकि एफआईआर आपकी है तो मुस्तफा कमाल साहब के अलावा और कौन कौन मुलव्वस है? देखें जी वो तो उनको खुद पता है और ये तफ्तीश एक एफआईआर की तफ्तीश है, एफआईआर सबको इसके अंदर तफ्तीश लाएगी, कोई अपने आप को बरी उस जमा न समझे इससे। ये एमक्यूएम की एफआईआर जरूर है लेकिन लोग इसमें चाहे आज पीएसपी में हो एमक्यूएम में ये सारे के सारे किरदार मुलव्वस हैं और ये सबसे ज्यादा फोर फ्रंट पे रहने वाले लोग हैं। सरफराज साहब कौन कौन है, कौन कौन है पीएसपी की तरफ से कौन कौन है? देखिए ये सारे बैठे सब जानते हैं, इनको खुद पता है। मैं इस वक्त ये जेर तफ्तीश मामला है, मैं नाम नहीं लूंगा वरना दाएं बाएं आपको पता है दुबई की फ्लाइट बहुत जल्दी पकड़ के सब भाग जाते हैं तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई असर पड़े, लेकिन आपको आने वाले दिनों में ये बहुत तेजी से तफ्तीश चल रही है और ये आपको सब सामने आ जाएगा अगले एक दो हफ्ते के अंदर कि इनमें से कौन कौन लोग थे और कौन कौन जेर तफ्तीश। तो मुस्तफा कमाल साहब भी बराह रास्त इसकी पकड़ में लपेट में आ सकते हैं? जी मैं आपको कह रहा हूँ जब सारे रहे हैं इसके अंदर तो मुस्तफा कमाल साहब को तो खुद खड़े होकर सच बोलना चाहिए क्योंकि वो सच की सियासत करने आए,
तो उनको तो खुद सच बोलना चाहिए और उनको सब पता है। वो अगर ये कहते हैं कि जी फला मीटिंग में मैं गया और फला मीटिंग में ये कहा गया, वो प्रीवी है हर चीज के, उनके हाथों से उनके सिग्नेचर से बड़े काम हुए हैं। ये तो FIA जब तफ्तीश करेगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और ये जो जितना आज इन्होंने रोना गाना एस्टेब्लिशमेंट का किया है, ये सब झूठ है, बकवास है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई एस्टेब्लिशमेंट इनको किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, और इन्होंने सब एस्टेब्लिशमेंट पे जो इल्जाम लगाए वो सब झूठे हैं। ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है जो ये अल्ताफ हुसैन की लाइन को टो करते हैं। ठीक है सरफराज मर्चेंट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया लंदन से बात करने के लिए। उनके मुताबिक कमाल साहब भी बहुत जल्द मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की लपेट और पकड़ में आ सकते हैं। ये तो आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया।